राजधानी जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया। आरोपी ने धमकी में सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की बात कही। कॉल सुबह 2 बजे आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और कॉल की लोकेशन के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन किया। डिटेन में पता चला कि धमकी भरा कॉल दोसा जेल से किया गया था। गहनता से जांच में सामने आया कि दार्जिलिंग निवासी नीमा, जो कि वर्तमान में दोसा जेल में बंद है, उसने जेल से ये कॉल की थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें अब तक 10 मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच गहनता से की जा रही है। आज सुबह 7:30 बजे जयपुर से इतला मिली दोसा पुलिस को, किसी ने सालावास जेल से कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर टेलीफोन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जान के लिए एक थ्रेड दिए, थ्रेड दिए उसको, उस पर कार्रवाई करने के लिए, या उसको जिस आदमी ने थ्रेड दी या जिस आदमी ने इस प्रकार की गतिविधि की, कृत्य किया, उसकी तलाश के लिए और जिस मोबाइल से की, उसको दस्तयाब करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए। दोसा के SP साहब आदरणीय रंजीता शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग सारे यहाँ पे आए। ADM साहब भी आए हैं, DIG इनकी मोनिका अग्रवाल जी भी आई हैं, हमारे CEO चारुल गुप्ता जी भी थी और सारे तमाम यहाँ के आसपास के SHO पहुँचे यहाँ पे। और हमने यहाँ पे जो पहले जो हमारा थर्ड पर्सन था, उसको हमने सबसे पहले लोकेट करने का प्रयास किया, भाई ये मोबाइल नंबर कहाँ संचालित हो रहा है, उसकी हमने लोकेशन निकाली। लोकेशन हमारी अमुक बैरक के सामने, उस बैरक से हमने उस आदमी को दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उसके पास से पोजेशन से मोबाइल रिकवर किया और उस आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया। इसकी सूचना हमने जयपुर बता दी। इसके पश्चात सघन तलाशी के निर्देश थे, फिर हमने जाप्ता और मंगाया। करीब 50 के आसपास हमारे अधिकारी जवान थे। हमने यहाँ के 6 वार्ड हैं, 6 वार्डों की एक एक करके सघन तलाशी ली। सघन तलाशी में फिर उसके बाद में 9 मोबाइल और रिकवरी हुए, कुल मिलाकर 10 मोबाइल जमीन के अंदर दबे हुए थे, उन लोगों को हमने खोद खोद के निकाले, जिसमें 2 एंड्रॉयड फ़ोन थे और 7 कीपैड फ़ोन थे। कार्रवाई की गई, कार्रवाई की जानकारियाँ गोपनीय हैं, उच्च स्तर पर हमने सारी प्रेषित कर दिए गए। सारी बाकी चीज़ें जयपुर से इसका मॉनिटरिंग हो रही है, बाकी आपको जानकारी जयपुर से। नीमा नाम का एक दार्जिलिंग का शख्स है, उसके संबंध में यहाँ की लोकल प्रशासन की तरफ से FIR दर्ज होगी, थाने पे FIR दर्ज।